पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी में बैठकर पूरे चंदौसी शहर में प्रदर्शन किया। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बैलगाड़ी में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार ने जो दावे किए थे उन पर सही तरीके से कार्य नहीं हो रहा है। अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो किसान और आम लोगों का बुरा हाल होगा। जिस तरह से दामों की बढ़ोतरी हो रही है उससे किसानों की फसल का मूल्य भी नहीं बढ़ रहा है, इससे किसान को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसी को लेकर के आज हमने और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बैलगाड़ी में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से यहां पर आम नागरिक तो परेशान है ही, साथ ही किसान भी काफी परेशान है, क्योंकि जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं उसी हिसाब से किसानों की फसल का मूल्य भी वाजिब रूप से नहीं मिल पा रहा है। अगर डीजल पेट्रोल के दामों में कमी नहीं लाई गई तो इस तरह से भारत का किसान परेशानी से गुजरेगा। बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस के शासन काल में पूरे भारतवर्ष को ये बात मालूम थी कि उस टाइम कच्चे तेल की कीमत $46 प्रति बैरल हुआ करती थी। उस टाइम पेट्रोल की कीमत जो थी वो 68 रुपए थी। आज जबकि उल्टा हिसाब किताब है, कच्चे तेल के दाम दुनिया में इस टाइम अगर आप गौर करें तो बहुत सस्ते हैं, 46 रुपए हैं, और अगर आप पेट्रोल की कीमतों पर गौर करें तो 78 रुपए जो है पेट्रोल बिक रहा है। ये केंद्र सरकार की मक्कारियां हैं, उसका फरेब है। दूसरी अहम बात यह है कि जिस पाकिस्तान का नाम लेकर के उसको बदनाम, उसको गालियां बक करके, उसको कोस करके केंद्र सरकार सत्ता में आई थी, उसी से 60 मेट्रिक टन जो है चीनी निर्यात करी है। अब सवाल यह है कि भारत में जो किसान अपने खून पसीने से गन्ना सींच करके चीनी बना रहा है उसकी चीनी कहाँ जाएगी? उसकी चीनी सड़ने के लिए आपने क्यों छोड़ी है? और उस पाकिस्तान के बल पे जो आप सर उसको कोस करके सरकार में आए तो उससे चीनी निर्यात आपने क्यों की है? आज हम लोगों ने बैलगाड़ी में गाड़ियों को रख करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी संभल के तत्वाधान में ये कार्यक्रम पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर किया है, क्योंकि मोदी सरकार लगातार जनता से धोखा कर रही है और वो आश्वासन देती है किसानों को और मजदूरों को और आम वर्ग को कि हम आप लोगों के लिए अपनी सरकार में विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां लेके आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। लगातार कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद हमारे भारतवर्ष में इतना तेल महंगा क्यों है? जो सशक्त देश हैं उन्होंने भी इतना तेल महंगा नहीं है। ऐसा क्या रीजन है कि आपने भारतवर्ष में आपने इतना महंगा तेल बेचने का काम किया है? हमारे आज मीडिया टोटल सुबह से यही दिखा रही है कि हमारे बीच जो आम जनता है उसके जेब से आप लोग 40 रुपया प्रतिदिन आप उसके जो है जेब से डाका डाल करके टैक्स के रूप में वसूल रहे हो। इस टैक्स को कहाँ डाल रहे हो? आखिरकार जनता का गला आप कब तक घोटेंगे? आप लोकतंत्र की हत्या कब तक करेंगे? हम आपसे मोदी जी सवाल पूछ रहे हैं, आप अपने आप को सुधार लीजिए, अन्यथा ये जनता आप जैसे 100 मोदियों को नहीं छोड़ेगी। आप जितने वादे करेंगे जनता उतनी मुखर आपके साथ चल करके 2019 में आपको जवाब देगी।